वेलकम टू स्टडी बेटर। आज फिर से हम लोग लेक्चर नंबर 5-4 लेकर आ रहे हैं, ठीक है। आज का जो सेशन रहेगा प्रैक्टिस सेट नंबर 10वां का देखेंगे। 10, 11, 12 किसमें इंक्लूड रहेगा, लगभग 150 क्वेश्चन किसमें इंक्लूड करेंगे। करंट अफेयर है, जुलाई 2022 तक का है, लगभग 1-1.5 साल तक का करंट अफेयर को इसमें इंक्लूड किया गया है। जो टॉप लेवल के क्वेश्चन है उसी को इंक्लूड किया गया है। तो देखते हैं, पहला क्वेश्चन है, हाल में वर्ल्ड गेम एथलीट्स ऑफ द ईयर 2021 का पुरस्कार किसे दिया गया। वर्ल्ड गेम्स एथलीट ऑफ द ईयर 2021 का पुरस्कार दिया गया है पी आर श्रीजेश को दिया गया वर्ल्ड गेम एथलीट ऑफ द ईयर 2021 का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल में दुनिया की पहली हाइड्रोजन संचालित फ्लाइंग बोट, उसका नाम था द जेट, को किस देश ने लॉन्च करने की घोषणा की। इसका राइट आंसर UAE। भारत का पहला भू वैज्ञानिक पार्क किस राज्य में बनाया गया है। इसका राइट आंसर मध्य प्रदेश है। नेक्स्ट क्वेश्चन, देश की पहली बुलेट ट्रेन का पहला स्टेशन कहाँ बनाया गया। पहला स्टेशन बनाया गया सूरत में, गुजरात के सूरत में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत सरकार 850 मेगावाट क्षमता का रतले हाइड्रो इलेक्ट्रिक परियोजना का निर्माण किस नदी पर कर रही है। इसका राइट आंसर है रतले का चिनाव नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा देश वर्ष 2021 में भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदारी देश रहा। इसका राइट आंसर है अमेरिका रहा है भारत से, ठीक है। निम्नलिखित में से किस राज्य ने राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना की शुरुआत किया है। तो इसका राइट आंसर छत्तीसगढ़ राज्य ने किया है, राजीव गांधी से ही आप कर सकते हैं, क्योंकि देखिए सरकार बहुत ज़्यादा स्टेट में बची नहीं हुई है, तो छत्तीसगढ़ में है। महाराष्ट्र में थी, वहाँ भी चली गई, एक दो और स्टेट में है, तो राजस्थान में है, तो वहीं पे ऐसा हो सकता है कि मतलब वहाँ का योजना जो है महात्मा गांधी इंदिरा गांधी के नाम से ऐसे चली, जवाहरलाल नेहरू के नाम से, ठीक है सर, क्योंकि यहाँ पे भारत में तो कुछ ऐसे ही होता है। नेक्स्ट है, देखिए किस भारतीय खिलाड़ी को 2022 में लारियस वर्ल्ड ब्रेक थ्रू ऑफ द ईयर अवार्ड के लिए नामांकित किया गया है। तो 8वां क्वेश्चन का राइट आंसर नीरज चोपड़ा को नामांकित किया गया है लॉरियस वर्ल्ड ब्रेक थ्रू अवार्ड। भारत का पहला यूनिकॉर्न स्पोर्ट इंटरप्राइजेस कौन बना है। इसका राइट आंसर है चेन्नई सुपर किंग, इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 10वां क्वेश्चन, किस देश ने इस वेस्ट इंडीज में आयोजित अंडर 19 वर्ल्ड कप 2022 का खिताब जीता है। इसका राइट आंसर भारत जीता है। हाल में JNU की पहली महिला कुलपति नियुक्त हुआ है या नियुक्त किया गया है JNU की, इनका नाम क्या है। इनका नाम है शांति श्री धूलीपुरी पंडित, इसका राइट आंसर है। इसके अलावा देखते हैं, 12 नंबर क्वेश्चन, फरवरी 2022 में भारत में आयोजित AFC महिला एशिया कप 2022 का खिताब किस देश ने जीता है। इसका राइट आंसर है चाइना ने जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में COVID-19 के विरुद्ध DNA वैक्सीन लगाने वाला पहला देश बना है DNA वैक्सीन। इसका राइट आंसर भारत बना है पहला देश। नेक्स्ट, गणतंत्र दिवस परेड 2022 में किस राज्य की झांकी ने सर्वश्रेष्ठ झांकी का पुरस्कार जीता है। इसका राइट आंसर है उत्तर प्रदेश। और हाल में ही अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति ने 2028 के ओलंपिक के लिए किन खेलों को शामिल करने की घोषणा किया है। इसका राइट आंसर देखिए सर्फिंग, स्केटबोर्डिंग और स्पोर्ट क्लाइंबिंग, तीनों को शामिल करने की घोषणा किया है। इसके अलावा देखते हैं, भारत का पहला परमाणु मिसाइल और हथियारों को ट्रैक करने वाला पोत कौन है। इसका राइट आंसर देखिए INS ध्रुव। और सही सुमेलित करना है, पद और व्यक्ति से संबंधित करना है। NCERT के नए निदेशक कौन है, दिनेश प्रसाद सकलानी बने हैं। और इंडिगो के नए प्रबंध निदेशक बने हैं राहुल भाटिया। और UGC के नए अध्यक्ष बने हैं M जगदीश। इसलिए ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में ही प्रारंभ की गई सेग परियोजना के संबंध किस मंत्रालय से है। इसका राइट आंसर देखिए सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय का जो संबंध है सेग परियोजना से है, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19, और इसमें क्या है, वर्ष 2021 में भारत रत्न से सम्मानित किस प्रसिद्ध गायिका का निधन 6 फरवरी 2022 को हुआ। इसका राइट आंसर देखिए सब लोग जाते हैं लता मंगेशकर को। 2 फरवरी 2022 के लिए विश्व आर्द्रभूमि दिवस का थीम क्या है। विश्व आर्द्रभूमि दिवस का थीम जो है वेटलैंड एक्शन फॉर पीपल एंड नेचर, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 20 का राइट आंसर क्या है,
ए है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, फरवरी 2022 में आयोजित पहले उड़ीसा ओपन 2022 में महिला एकल का खिताब किसने जीता है? 21 का राइट आंसर उन्नति हुड्डा ने जीता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन, रक्षा मंत्रालय ने अपने सैनिकों को पेंशन पहुंचाने हेतु किस पोर्टल का शुभारंभ किया है? 22 का राइट आंसर है स्पर्श पोर्टल, स्पर्श पोर्टल का शुभारंभ किया है। हाल में होंडुरस की पहली महिला राष्ट्रपति के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? इसको राइट आंसर देखिए, सियोमारा कास्त्रो को होंडुरस की पहली महिला राष्ट्रपति के रूप में नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में किस देश में पहला योग महोत्सव का आयोजन किया गया? 24 का राइट आंसर है सऊदी अरब। और देखिए 25 नंबर क्वेश्चन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस वर्ष तक देश को ऊर्जा स्वतंत्र बनाने का लक्ष्य रखा है? 25 का राइट आंसर है 2047 तक। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व में ढाका अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 2022 में एशियन फिल्म प्रतियोगिता खंड में किस भारतीय फिल्म को सर्वश्रेष्ठ फिल्म पुरस्कार दिया गया? इसका राइट आंसर है कुंजगल पेबल्स को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 27 नंबर, हाल में देश की पहली पैरा बैडमिंटन अकादमी कहाँ स्थापित की गई? इसका राइट आंसर लखनऊ में स्थापित की गई। और देखिए कुछ नियुक्तियों के विषय में देखते हैं जो सही सुमेलित है उसको देखेंगे, व्यक्ति और पद के संबंधित। पुष्प कुमार जोशी जो बने हैं SPCL के नए चेयरमैन और MD बने हैं, और डॉक्टर वी अनंत नागेश्वरन बने हैं मुख्य आर्थिक सलाहकार, और विनोदानंद झा बने हैं PMLA निर्णायक प्राधिकरण के अध्यक्ष बने हैं। तो तीनों ऑप्शन करेक्ट है इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 29 नंबर, हाल में प्रकाशित पुस्तकें, प्रमुख पुस्तकें और उनके लेखक के संबंध में कौन सम्मिलित हैं? देखिए मीनाक्षी लेखक, मीनाक्षी लेखी, इनकी पुस्तक का नाम है इंडियाज ओमैन अनसंग हीरोज। ओके, रस्किन बांड, इनकी पुस्तक का नाम है अ लिटिल बुक ऑफ इंडिया सेलिब्रेटिंग 75 ईयर्स ऑफ इंडिपेंडेंस। और किरण बेदी, इनके बुक का नाम है फेयरलेस गवर्नेंस। ठीक है, तो उपयुक्त सभी इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल में ही निधन, निधन के संबंध में कौन सुमेलित हैं? निधन के संबंध में देखिए जो सुमेलित हैं, थिरु आर नागास्वामी जो हैं संबंधित है पुरातत्वविद से, मिलिना सालोनी जो है ये संबंधित है कथकली से, और चरणजीत सिंह है हॉकी खिलाड़ी, इनसे संबंधित है। तो उपयुक्त सभी इसका भी राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। देखिए मेन मकसद है कि ऐसा नहीं कि आपको क्वेश्चन कराना, इसके अलावा आपको पता होना चाहिए, आप क्वेश्चन से सीखें। सबसे सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है कि आप क्वेश्चन से सीखने की कोशिश करें। अगर क्वेश्चन नहीं आता है तो आप उसको याद कर लीजिए, एक क्वेश्चन फॉर्मेट में दिया गया है कि आप याद भी करें साथ ही साथ। जैसे मान लीजिए एक क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को मान लीजिए अगर बाय द वे नहीं आ रहा, आपने तुक्का यहाँ पर लगा दिया, लेकिन फिर भी अगर नहीं पता तो देखिए एक क्वेश्चन से आपको तीन क्वेश्चन यहाँ से क्लियर हो गया, एक क्वेश्चन में तीन पॉइंट आपको क्लियर हुआ। तो सबसे बड़ी ज़रूरी ये है कि आपको याद हो, क्योंकि एग्ज़ाम में आपको ज़्यादा से ज़्यादा सॉल्व करना है। जनवरी 2022 में किस अफ्रीकी देश में सेना के द्वारा तख्ता पलट किया गया? इसका राइट आंसर है 31 का बुर्किना फासो। हाल में असम सरकार के द्वारा किसे असम वैभव सम्मान प्रदान किया गया है? इसका 32 का राइट आंसर है रतन टाटा। तमिलनाडु स्थित कुडकुनल, तमिलनाडु स्थित कुडनकुलम परमाणु ऊर्जा संयंत्र में 5वां न्यूक्लियर रिएक्टर का निर्माण किस देश के सहयोग में किया जा रहा है? 33 का राइट आंसर है रशिया में किया जा रहा है। इसके अलावा देखिए, हाल में ही भारत का पहला ग्राफीन इनोवेशन सेंटर किस राज्य में स्थापित किया जा रहा है? तो ग्राफीन सेंटर जो है केरल में स्थापित किया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किसे वर्ष 2022 के पद्म विभूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? आचार्य चंदनाजी को सम्मानित किया गया है। जनवरी 2022 में किसे परम विशिष्ट सेवा पदक से सम्मानित किया गया? इसका राइट आंसर रानी रामपाल को। ठीक है, 36 का, सॉरी देखिए इसमें से कुछ मैचिंग है। ठीक है, जनवरी 2022 में किसी परम विशिष्ट सेवा पदक से सम्मानित किया गया, इसमें देखिए नीरज चोपड़ा है। ठीक है, इसमें थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो गया था, तो नीरज चोपड़ा इसका राइट आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में ही किस भारतीय फिल्म को ऑस्कर 2022 के लिए नामित किया गया है? इसका राइट आंसर देखिए 37 का राइट आंसर है जय भीम और मरक्कर, दोनों को ऑस्कर फिल्म के लिए नामित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में ही पहले भारत मध्य एशिया शिखर सम्मेलन की मेजबानी किसने किया है? 38 का राइट आंसर देखिए नरेंद्र मोदी ने किया है। किस राज्य में भारत का पहला पक्षी एटलस तैयार किया गया?
भारत का पहला पक्षी एटलस जो तैयार किया गया 39 का, देखिए राइट आंसर इसका क्या हो सकता है, केरल। हाल में किस दक्षिण अमेरिकी देश में तिल रिसाव के कारण 90 दिनों का पर्यावरण आपातकाल की घोषणा किया गया, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत पुराना क्वेश्चन है, पेरू इसका राइट आंसर है। हाल में ही हुए ऑस्ट्रेलियन ओपन 2022 के संबंध में कौन सा कथन सत्य है, इसमें देखिए इसमें पुरुष एकल का खिताब राफेल नडाल ने जीता है और इसमें महिला एकल का खिताब एशले बार्टी ने जीता है, इसलिए कथन एक और कथन दो दोनों ही सही है। जनवरी 2022 में स्थित प्रशांत महासागर में स्थित किस देश में ज्वालामुखी विस्फोट की घटना हुई, ज्वालामुखी विस्फोट की घटना हुई है इसका टोंगा में। और भारत का सबसे बड़ा इलेक्ट्रिकल व्हीकल चार्जिंग स्टेशन, इलेक्ट्रिकल व्हीकल चार्जिंग स्टेशन जो है गुरुग्राम में स्थापित किया गया है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत ने किस देश की मदद से 150 गांव को उत्कृष्ट गांव में बदलने की घोषणा किया, इसका राइट आंसर इजराइल की मदद से। और हाल में दुनिया के सबसे बड़े कैनाल लॉक का उद्घाटन किया गया, नीदरलैंड में किया गया है। और केंद्र सरकार ने महात्मा गांधी के किस प्रिय भजन को इस साल से बीटिंग रिट्रीट समारोह से हटाने का फैसला लिया है, इसका राइट आंसर है अबाइड विथ मी। ओके, और नेताजी रिसर्च ब्यूरो ने जापान के किस पूर्व प्रधानमंत्री को नेताजी पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है, शिंजो आबे इसका राइट आंसर है। अभी हाल में इनका देहांत हो गया, अमेरिका के पूर्व प्रधानमंत्री थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, अमेरिका नहीं, जापान, शिंजो आबे जो जापान के पूर्व प्रधानमंत्री थे, ठीक है, इनका हाल में निधन हो गया। UNDP ने किस ट्यूमर को भारत का पहला युवा जलवायु चैंपियन घोषित किया है, 48 का राइट आंसर है प्रजक्ता कोहली। और 49 नंबर है, निम्नलिखित में से किस देश ने अपना पहला सौर अन्वेषण उपग्रह सिंहे को लॉन्च किया, 49 का राइट आंसर चाइना ने, नाम ही ऐसा है कि। निम्नलिखित में से भारत की संसद द्वारा लॉन्च किए गए डिजिटल ऐप को नाम क्या है, इसका राइट आंसर डिजिटल संसद। अब देखते हैं न्यू प्रैक्टिस सेट नंबर, प्रैक्टिस सेट नंबर 11 का देखिए पहला क्वेश्चन है, एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक के उपाध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, इसमें देखिए इसका राइट आंसर क्या है, रघुराम राजन को नियुक्त किया गया है। और जनवरी 2022 में किस देश में ईंधन LPG की बड़ी कीमतों के कारण आपातकाल की घोषणा किया गया है, कजाकिस्तान में। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल में ही 1979 में गोल्डन ग्लोब्स अवार्ड 2022 की घोषणा की गई, इसके संबंध में कौन सा कथन सत्य है, देखिए फिल्म पावर ऑफ द डॉग को सर्वश्रेष्ठ मोशन पिक्चर ड्रामा का पुरस्कार दिया गया, इसके अलावा अभिनेता विल स्मिथ को बेस्ट एक्टर इन ड्रामा अवार्ड प्रदान किया गया और अभिनेता निकोल किडमैन को बेस्ट एक्ट्रेस इन ड्रामा का अवार्ड दिया गया, उपयुक्त सभी इसका राइट आंसर है। जनवरी 2022 में गोवा के किस पूर्व मुख्यमंत्री को राज्य मंत्रिपरिषद में आजीवन कैबिनेट मंत्री का दर्जा दिया गया है, इसका राइट आंसर प्रताप सिंह राणे को। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुराष्ट्रीय पनडुब्बी रोधी युद्ध अभ्यास सी ड्रैगन 2022 के संबंध में कौन सा कथन सही है, इसका राइट आंसर देखिए, इसका आयोजन अमेरिका के गुआम में किया गया सी ड्रैगन का अभ्यास। और युद्ध अभ्यास में क्वाड देश में कनाडा हो गया, दक्षिण कोरिया ने भी भाग लिया। और सी ड्रैगन अमेरिका नौसेना द्वारा आयोजित एक वार्षिक बहुराष्ट्रीय अभ्यास है, तो इस उपयुक्त सभी इसका राइट आंसर है। और देखिए हाल में प्रकाशित पुस्तक जिसका नाम था गांधी के हत्यारे द मेकिंग ऑफ नाथूराम गोडसे कांट इज आइडिया ऑफ इंडिया, तो किसने लिखा है इस पुस्तक को, इस बहुत इंपॉर्टेंट पुस्तक, इसको लिखा है धीरेंद्र के झा ने इसको लिखा है। इसके अलावा देखते हैं, पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला जज बनी है आयशा मलिक बनी है, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8, उत्तर प्रदेश ने मैनपुरी स्कूल का नाम किसके नाम पर रखने की घोषणा किया है, इसका राइट आंसर जनरल बिपिन रावत के नाम पर। खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2022-23 की मेजबानी कौन दिशा देश कर रहा है, इसका राइट आंसर है मध्य प्रदेश कर रहा है। और हाल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीर बाल दिवस किस दिन मनाने की घोषणा किया, वीर बाल दिवस 26 दिसंबर को मनाने की घोषणा किया है। आईपीएल 2022 और 23 के लिए कौन सी कंपनी टाइटल्स स्पॉन्सर बनी है, इसका राइट आंसर टाटा ग्रुप बनी है टाइटल्स स्पॉन्सर। देखिए 7 जनवरी और
7 से 9 जनवरी 2022 के मध्य नॉर्थ ईस्ट फेस्टिवल का नवा संस्करण कहाँ आयोजित किया गया? इसका राइट आंसर है गुवाहाटी, असम में। और हाल में ही कौन सा शहर जल मेट्रो परियोजना वाला भारत का पहला शहर बना है? इसका राइट आंसर कोच्चि बना है। ब्रिक्स देशों द्वारा स्थापित न्यू डेवलपमेंट बैंक में शामिल नए सदस्य देश कौन बने हैं? देखिए, ब्रिक्स में न्यू डेवलपमेंट बैंक में जो शामिल नया सदस्य देश हैं, बांग्लादेश है, उरुग्वे है और संयुक्त अरब अमीरात, तीनों ही बने हैं न्यू डेवलपमेंट के सदस्य बने हैं, न्यू डेवलपमेंट बैंक के सदस्य। देखिए, भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार कुल कितने ऐसे राज्य हैं और केंद्र शासित प्रदेश है जहाँ पर 33% से अधिक भौगोलिक क्षेत्र क्या है, वनांचित हैं? तो ऐसे कुल 17 ऐसे स्टेट हैं वहाँ पे 33% से ऊपर क्या है, वन, अच्छा, वनांचित है, वहाँ पे वन है, ठीक है। और इसके अलावा देखते हैं, इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन है 16 नंबर, इसरो के नए अध्यक्ष और अंतरिक्ष विभाग के सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? इसका राइट आंसर M.S. सोमनाथ को। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब में हुए PM मोदी की सुरक्षा की जाँच के लिए किसकी अध्यक्षता में कमेटी बनाई है? इंदु मल्होत्रा के अध्यक्षता में। नेक्स्ट क्वेश्चन, 7 जनवरी 2022 को जल शक्ति मंत्रालय द्वारा थर्ड राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2022 की घोषणा की गई, इसमें सर्वश्रेष्ठ राज्य की श्रेणी में किस राज्य को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ? इसका राइट आंसर है, इसका राइट आंसर है उत्तर प्रदेश, ठीक है। सर्वश्रेष्ठ राज्य की श्रेणी में प्रथम स्थान प्राप्त हुआ उत्तर प्रदेश को जल शक्ति मंत्रालय द्वारा थर्ड राष्ट्रीय जल पुरस्कार, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत की भीम UPI को अपनाने वाला पहला पड़ोसी देश बना है, तो पड़ोसी देश कौन सा बना है जो भीम UPI को अपनाने वाला देश बना है? इसका राइट आंसर क्या है, 19 का राइट आंसर है भूटान बना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विदेशी मुद्रा संकट की स्थिति से निपटने के लिए भारत ने किस पड़ोसी देश को $900 मिलियन का ऋण दिया है? 900 मिलियन का ऋण दिया है श्रीलंका को। अमेरिकी सिक्के पर दिखाई देने वाला पहली अश्वेत महिला बनी है माया एंजेलो। और भारतीय वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? इसका राइट आंसर देखिए, उपयुक्त सभी, इसका राइट आंसर देखिए, इस रिपोर्ट के अनुसार भारत का वनावरण जो है कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 21.71 है और पिछले रिपोर्ट की तुलना में भारत में वनावरण में 1540 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि दर्ज की गई है और टाइगर रिजर्व में वनावरण में सर्वाधिक वनावरण परसेंटेज वाला जो परसेंटेज के हिसाब से अगर देखा जाए तो अरुणाचल प्रदेश के पक्के टाइगर रिजर्व में है। तो इसका ऑप्शन नंबर डी, इसका राइट आंसर है करेक्ट, सभी करेक्ट हैं। रेल मंत्रालय ने जनवरी 2022 में किस रेलवे स्टेशन का नाम एकता नगर रेलवे स्टेशन की घोषणा किया है? नाम चेंज कर दिया, इसका केवड़िया स्टेशन, रेलवे स्टेशन का नाम एकता नगर रेलवे स्टेशन रखा गया है। और निम्नलिखित में से कौन से सुमेलित हैं? प्रदीप शाह जो बने हैं फाइजर इंडिया के अध्यक्ष और शेफाली वर्मा बैंक ऑफ बड़ौदा के ब्रांड एम्बेसडर हैं। राजकुमार राव जो हैं रिन्यू भाई कंपनी के ब्रांड एम्बेसडर, उपयुक्त सभी इसका राइट आंसर है। इसके अलावा देखते हैं, हाल में किसके द्वारा मिशन अमानत की शुरुआत की गई? मिशन अमानत की शुरुआत की गई है भारतीय रेलवे द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में प्रकाशित ममता बियॉन्ड 2021 नामक पुस्तक किसने लिखा है? इसका राइट आंसर है जयंता घोषाल। और जनवरी 2022 में हुए नियुक्तियों के विषय में सम्मिलित करना है, बारबाडोस की प्रधानमंत्री बनी है मियां मोटाली, भारतीय थल सेना के उपप्रमुख हैं मनोज पांडे और AEPC के नए अध्यक्ष हैं नरेंद्र कुमार गोयंका, ठीक है। तो उपयुक्त सभी इसका राइट आंसर है। 28 नंबर देखते हैं, वर्ष 2023 में पहली विश्व बाधित T20 क्रिकेट चैंपियनशिप का आयोजन कहाँ पे किया गया? इसका राइट आंसर है केरल में किया गया है। और पंडित बिरजू महाराज का निधन हो गया 17 जनवरी 2022 को, वह किस नृत्य से मशहूर थे? किस नृत्य के लिए मशहूर थे? इसका राइट आंसर है कथक के लिए मशहूर थे, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल में मनाए गए त्योहारों को कौन सा सम्मिलित करना है? ठीक है, तो इसका राइट आंसर देखिए, लोसुंग जो त्यौहार है सिक्किम में मनाया जाता है, जल्लीकुट मदुरई तमिलनाडु में और लोसार महोत्सव जो है लद्दाख में मनाया जाता है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। वर्ष 2021 में फोर्स की सर्वाधिक कमाई करने वाले 10 महिला खिलाड़ियों की सूची में किसे स्थान प्राप्त हुआ है? शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है।
इसका राइट आंसर नोआमी ओसाका को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है। हाल में किसने अपनी आत्मकथा जिनका नाम था इंडोमिटेबल ए वर्किंग वुमेंस नोट्स ऑन लाइफ वर्क एंड लीडरशिप की है। 32 का राइट आंसर इसका क्या है, अरुंधति भट्टाचार्य। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में न्याय घड़ी स्थापित करने वाला देश का पहला हाईकोर्ट कौन सा बना है। 33 का राइट आंसर है गुजरात हाईकोर्ट। नेक्स्ट, हाल में मिसेज वर्ल्ड 2022 का ताज किसने जीता है, इसका राइट आंसर है साइलिन फोर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश की पुलिस ने अपना पहला पॉडकास्ट किस्सा खाकी का लॉन्च किया है। किस्सा खाकी का किसने लॉन्च किया, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, राइट आंसर दिल्ली। और हाल में किस संस्था ने सारथी मोबाइल ऐप को लॉन्च किया है, सारथी मोबाइल ऐप को लॉन्च किया है सेबी ने। फीफा अवार्ड 2021 में लगातार दूसरी बार सर्वश्रेष्ठ फुटबॉलर के रूप में किसे चुना गया है। 37 का राइट आंसर है रॉबर्ट लेवांडोव्स्की को चुना गया है। ठीक है, ये 37 क्वेश्चन था। अब 38 नंबर देखते हैं, हिमाचल प्रदेश में आयोजित 9वीं महिला राष्ट्रीय आइस हॉकी चैंपियनशिप का खिताब किस टीम ने जीता है, इसका राइट आंसर 38 का लद्दाख महिला टीम ने जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में ही इंडोनेशिया ने अपनी नई राजधानी घोषित किया है। 39 का राइट आंसर है नुसंतारा। किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में भारत का सबसे ऊंचा फुटबॉल स्टेडियम बनाया गया है, इसका राइट आंसर लद्दाख में बनाया गया है। और भारत आसियान देशों के लिए किस देश में मेगा इसरो ग्राउंड स्टेशन का निर्माण कर रहा है, इसका राइट आंसर है देखिए वियतनाम में। 41 का राइट आंसर है वियतनाम। हाल में किस भारतीय महिला टेनिस खिलाड़ी ने संन्यास लेने की घोषणा किया, इसका राइट आंसर सानिया मिर्जा। और हाल में किस देश ने मेट्रो स्टेशन परियोजना मेट्रो एक्सप्रेस परियोजना में भारत के समर्थन के प्रति आभार व्यक्त करते हुए एक प्रमुख मेट्रो स्टेशन का नाम महात्मा गांधी के नाम पर रखने की घोषणा किया है, इसका राइट आंसर मॉरिशस ने। और विश्व आर्थिक मंच के दाओस एजेंडा 2022 शिखर सम्मेलन का आयोजन डिजिटल रूप के रूप में किया गया है, इसका थीम क्या था, विश्व आर्थिक मंच के दाओस एजेंडा 2022 के शिखर सम्मेलन का आयोजन का थीम, इसका राइट आंसर है द स्टेट ऑफ द वर्ल्ड। ठीक है, अब 44 क्वेश्चन देखते हैं, हाल में पाकिस्तान की पहली ट्रांसजेंडर महिला डॉक्टर बनी है, पहली, उनका नाम है डॉक्टर सारा गिल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल में मॉर्निंग कंसल्ट पॉलिटिकल इंटेलिजेंस की विश्व की 13 लोकप्रिय नेताओं की सूची में किस नेता को प्रथम स्थान दिया गया है, इसका राइट आंसर नरेंद्र मोदी। हाल में प्रकाशित पुस्तकों के संबंध में कौन सा कथन सही है, देखिए बोस द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ इनकन्वीनियंट नेशनलिस्ट, चंद्रदूर घोष ने इसको लिखा है। द लीजेंड ऑफ बिरसा मुंडा, इसको लिखा है तुविन सिंघा और अंकिता वर्मा। गोल्डन बॉय नीरज चोपड़ा, इसको लिखा है नवदीप सिंह गिल। ठीक है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। हाल में प्रतिष्ठित नासा कार्यक्रम पूरा करने वाली पहली भारतीय महिला बनी है, इसका राइट आंसर है जाह्नवी डांगेदी। और हाल में गृह मंत्री अमित शाह द्वारा भारत का पहला जिला सूचकांक किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में जारी किया गया है, इसका राइट आंसर जम्मू कश्मीर। और हाल में किस राज्य सरकार के द्वारा मेरा पानी मेरा विरासत योजना की शुरुआत किया गया है, हरियाणा सरकार द्वारा। अब देखते हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 12 को देखते हैं, इसमें भी 50 क्वेश्चन है। ठीक है, दिसंबर 2021 में किस राज्य सरकार द्वारा फ्री स्मार्टफोन योजना की शुरुआत किया गया है, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा। और दिसंबर 2021 में जारी चौथे राज्य स्वास्थ्य सूचकांक के संबंध में कौन सा कथन सही है, तो देखिए उपयुक्त सभी इसमें सही है। यह नीति आयोग द्वारा जारी किया गया है, बड़े राज्यों में केरल को प्रथम स्थान मिला है, बड़े राज्यों में बिहार नीचे से दूसरे स्थान पर रहा है। और क्षुद्र ग्रह जिसका नाम था साइके के अध्ययन हेतु किस अंतरिक्ष एजेंसी द्वारा 2022 में साइके मिशन को लॉन्च किया, इसका राइट आंसर है देखिए नासा। विजय हजारे ट्रॉफी 2021-22 का खिताब किस टीम ने जीता है, इसका राइट आंसर है विजय हजारे ट्रॉफी। क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर हिमाचल प्रदेश ने जीता है। और हाल में किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में संकल्प स्मारक का उद्घाटन किया गया, 5वां का राइट आंसर है अंडमान निकोबार। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस देश द्वारा दुनिया का पहला ड्यूल मोड वाहन का निर्माण किया गया है,
छठा का राइट आंसर है क्या, जापान में ड्यूल मोड वाहन। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, साहित्य अकादमी पुरस्कार 2021 के संबंध में कौन सा कथन सही है। देखा, मेघा मजुमदार ने अपनी पुस्तक ए बर्निंग के लिए साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार 2021 जीता है। और अंग्रेजी भाषा में नमिता गोखले को उनके उपन्यास, उनका बुक का नाम था, उपन्यास का नाम था थिंक टू लीव बिहाइंड के लिए दिया गया है नमिता गोखले को। मेघा मजुमदार को हिंदी के लिए दिया है साहित्य अकादमी, और हिंदी भाषा, सॉरी हिंदी भाषा का नहीं, साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार दिया गया है। और हिंदी भाषा के लिए दिया गया दया प्रकाश सिन्हा को, उनके नाटक का नाम था सम्राट अशोक के लिए पुरस्कार दिया गया है। इसलिए तीनों कथन सही है। ठीक है, साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार मेघा मजुमदार, अंग्रेजी भाषा में नामिता गोखले को, और हिंदी भाषा में प्रकाश सिन्हा को दिया गया है। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8वां देखते हैं। हाल में बिहार सरकार द्वारा बाल विवाह और दहेज प्रथा को समाप्त करने के उद्देश्य किस अभियान का सुधार किया गया है, तो समाज सुधार अभियान। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेफ अंडर 19 महिला चैंपियनशिप 2021 के संबंध में कौन सा कथन सही है। उपयुक्त सभी इसका राइट आंसर है। इसका आयोजन ढाका में किया गया है, विजेता बांग्लादेश से रहा है, और फाइनल में बांग्लादेश ने भारत को हराया है सेफ अंडर 19 महिला चैंपियनशिप में। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में भारत दर्शन पार्क का उद्घाटन किया। भारत दर्शन पार्क का उद्घाटन किया गया है नई दिल्ली में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, आर्थिक समीक्षा 2021-22 आर्थिक समीक्षा 2021-22 और में दिए गए आंकड़ों के अनुसार वर्ष 2018 में मांस और मांस से निर्मित वस्तुओं के विश्वव्यापी निर्यात में भारत की हिस्सेदारी रही है। देखिए, तो इसमें भारत की हिस्सेदारी 2.5% है। निम्नलिखित में से किसके द्वारा एसिग्मा नामक मैसेजिंग एम को लॉन्च किया गया। इसका राइट आंसर है भारतीय सेना द्वारा। हाल में नियुक्तियों के विषय में सही सुमेलित देखना है। अनुपम रे जो बने हैं निरस्त्रीकरण पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन में भारत के स्थायी प्रतिनिधि बने हैं। जगदीश कुमार बने हैं यूजीसी के अध्यक्ष, और संजय कुमार सिंह बने हैं इस्पात मंत्रालय के सचिव बने हैं। इसलिए ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल में ही किस भारतीय पत्रकार को मरणोपरांत वर्ष 2020 के लिए रेड इंक जर्नलिस्ट ऑफ द ईयर पुरस्कार सम्मानित किया गया। दानिश सिद्दीकी को सम्मानित किया गया है। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। हाल में जारी सुशासन सूचकांक 2021 में बड़े राज्यों में प्रथम स्थान मिला है गुजरात को। और द मोदी गैम्बिट डिकोडिंग मोदी 2.0 के लेखक कौन है, संजू वर्मा इस पुस्तक के लेखक है। ठीक है, इसके अलावा देखते हैं, तपस किस मंत्रालय द्वारा तपस इसका फुल नेम है ट्रेनिंग फॉर आर्गूमेंटिंग प्रोडक्टिविटी एंड सर्विस पोर्टल लॉन्च किया है। इसको लॉन्च किया है सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से भारतीय उद्योगपति को वैश्विक पर्यावरण और जलवायु कार्रवाई अवार्ड से सम्मानित किया गया 18 का। इसका राइट आंसर है बीरल देसाई को। हाल में कौन सा देश न्यू डेवलपमेंट बैंक के सदस्य के रूप में शामिल हुआ है 19 का। इसका राइट आंसर मिस्र को शामिल किया गया है। पेटा इंडिया द्वारा किस बॉलीवुड अभिनेत्री को 2021 का पर्सन ऑफ द ईयर घोषित किया गया है, जिसका राइट आंसर आलिया भट्ट को। और स्वास्थ्य मंत्रालय ने कोविड-19 के किन नए टीकों के आपातकालीन इस्तेमाल को मंजूरी प्रदान किया है। इसका राइट आंसर है 21 का राइट आंसर ए और बी, कार्बिवैक्स एंड कोवैक्स। ओके, बायोटेक्नोलॉजी विभाग के तहत राष्ट्रीय मस्तिष्क अनुसंधान केंद्र द्वारा न्यूरो इमेजिंग डेटाबेस हेतु किस परियोजना की शुरुआत की गई है। 22 का राइट आंसर देखिए, 22 का इसका राइट आंसर है स्वदेश। और हरुड ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स 2021 में भारत को स्थान मिला है, तृतीय स्थान मिला है इसमें। इस ऑप्शन नंबर सी है, तृतीय स्थान मिला है। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन है, और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, दिसंबर 2021 में निम्नलिखित में से किस अंतरिक्ष एजेंसी ने दुनिया का सबसे शक्तिशाली जेम्स वेब अंतरिक्ष टेलीस्कोप को लॉन्च किया है। इसका राइट आंसर 24 का राइट आंसर है नासा ने लॉन्च किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 25 नंबर, निम्नलिखित में से किन परियोजनाओं को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हिमाचल प्रदेश में 11,000 करोड़ से अधिक की जल विद्युत परियोजनाओं का उद्घाटन
और शिलान्यास किया है। इसका राइट आंसर है देखिए, एक है रेणुका जी बांध परियोजना, दूसरा है लुहरी स्टेज वन हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट, और तीसरा है सांवरा कुड्डू जल विद्युत परियोजना। तो इसका ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। 11,000 करोड़ रुपये से अधिक की जल विद्युत परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया गया है। इसके अलावा देखते हैं, केंद्रीय बजट 2022-23 के अनुसार अगले 3 वर्षों के दौरान मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक सुविधाओं के लिए कितने पीएम गति शक्ति कार्गो टर्मिनल तैयार किए जाएंगे? 100। और हाल में किस राज्य सरकार ने जनता की शिकायतों की हल करने के लिए कौशल रोजगार निगम पोर्टल को लॉन्च किया? इसका राइट आंसर हरियाणा सरकार। और किस टीम ने अंडर 19 एशिया कप का खिताब जीता है? इसका राइट आंसर है 28 का राइट आंसर भारत ने जीता है, अपना प्यारा भारत। और हाल में रेलवे बोर्ड का नया अध्यक्ष और सीईओ किसे नियुक्त किया गया है? 29 का राइट आंसर विनय कुमार त्रिपाठी। हाल में महारानी एलिजाबेथ के नाम पर किस देश ने प्रधान द्वीपों का नाम बदलने की घोषणा किया है? 30 का राइट आंसर है ऑस्ट्रेलिया। और हाल में किस देश में दुनिया का सबसे लंबी मेट्रो लाइन का उद्घाटन किया गया? 31 का राइट आंसर है चाइना। 3 ट्रिलियन बाजार मूल्य तक पहुंचने वाली विश्व की पहली कंपनी बनी है? 33 का राइट आंसर एप्पल बनी है। और वर्ष 2022 में 48वें G7 शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता किस देश द्वारा की जा रही है? 33 का राइट आंसर है जर्मनी द्वारा अध्यक्षता की जा रही है। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 34 नंबर, जनवरी 2022 में ONGC की पहली महिला CMD के रूप में किसे नियुक्त किया गया? 34 का राइट आंसर है अलका मित्तल को नियुक्त किया गया है। आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार FDI इक्विटी अंतर्वाह के मामले में भारत में शीर्ष निवेश करने वाला देश है? 35 का राइट आंसर है सिंगापुर है। हाल में किस देश में COVID-19 के नए वेरिएंट B1.1.640.2 या 1H1 की पहचान की गई है? 36 का राइट आंसर फ्रांस में की गई है। निम्नलिखित में से कौन सी अदालत की पहली पेपरलेस अदालत बन गई है? देश की पहली पेपरलेस अदालत बनी है केरल हाई कोर्ट। 37 का राइट आंसर है ए नंबर, ठीक है। हाल में कौन सा राज्य LPG युक्त धुआं मुक्त राज्य बना है? LPG युक्त धुआं मुक्त राज्य बना है। 38 का राइट आंसर है हिमाचल प्रदेश बना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत सरकार ने संयुक्त राष्ट्र के सहयोग से शांति सैनिकों को सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए कौन सा मंच लॉन्च किया है? इसका नाइट में यूनाइट अवेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन, 7 से 8 जनवरी 2022 को ई प्रशासन का 24वें राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन कहाँ पे किया गया? 40वें का राइट आंसर है हैदराबाद है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 25वें राष्ट्रीय युवा महोत्सव 2022 का आयोजन कहाँ पे किया गया है? इसका राइट आंसर पुडुचेरी में किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में किस राज्य या केंद्रशासित प्रदेश की विधानसभा ने शिक्षक विश्वविद्यालय स्थापित करने के लिए एक विधेयक पारित किया? 42 का राइट आंसर है दिल्ली। और वर्ष 2022 के लिए किसे सुरक्षा परिषद की आतंकवाद निरोधी समिति अध्यक्ष नियुक्त किया गया? 43 का राइट आंसर है TS त्रिमूर्ति। और इसके अलावा देखिए कुछ क्वेश्चन और बचा है, इसको देख लेते हैं। और कपड़े के थैले के उपयोग को प्रोत्साहित करने के लिए किस राज्य सरकार ने मिंदम और मंजपई योजना की शुरुआत की गई? इसका राइट आंसर है तमिलनाडु, ठीक है। 44 का राइट आंसर क्या है? बी ऑप्शन। और जनवरी 2022 में आपदा प्रबंधन पर सहयोग के लिए भारत ने किस देश के साथ समझौता किया है? तुर्कमेनिस्तान के साथ समझौता किया है। भारत के पहले ओपन रॉक संग्रहालय का उद्घाटन कहाँ पर किया गया? 46 का राइट आंसर हैदराबाद। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने 1 जनवरी 2022 से किस 100 दिवसीय पठन अभियान का शुभारंभ किया गया? 47 का राइट आंसर है पढ़े भारत। और जनवरी 2022 में किस भारतीय महिला क्रिकेट खिलाड़ी को वर्ष 2021 की सर्वश्रेष्ठ क्रिकेट के रूप में नामित किया गया? 48 का राइट आंसर है स्मृति मंधाना। और प्रधानमंत्री द्वारा किस शहर में मेजर ध्यानचंद खेल विश्वविद्यालय की आधारशिला रखी गई है? 49 का राइट आंसर है मेरठ। हाल में दक्षिणी ध्रुव पर अकेले पहुंचने वाली अश्वेत महिला कौन बनी है? इसका राइट आंसर है प्रीत चंडी बनी है, ठीक है। तो ये रहा हम लोग का 150 क्वेश्चन। अब हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे, 150 क्वेश्चन और बचा हुआ है, 13वां प्रैक्टिस सेट देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तो अभी के लिए बस इतना ही रखते हैं, नेक्स्ट में हम लोग देखेंगे, देखिए नेक्स्ट में 13
फैक्ट्री सेट देखेंगे, 13, 14, 15 देखें, ठीक है, 13, 14, 15 फैक्ट्री सेट, तो कंप्लीट हो जाएगा हम लोग का टोटल 750 क्वेश्चन, ठीक है, जो कि 1.5 ईयर्स में, लगभग 1.5 साल में क्वेश्चन जो है इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को कवर किया जा रहा है। एडिटोरिया करंट अफेयर है, आई थिंक बहुत ही अच्छा करंट अफेयर है, आप सभी लोग को पता ही होगा। इसके बाद हम लोग वन लाइनर क्वेश्चन को कवर करेंगे, और अभी के लिए बस इतना रखते हैं, थैंक यू सो मच। स्टडी बैटल, अब हम देख रहे हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 13, 14, 15 देखेंगे, ये लास्ट लेक्चर रहेगा एमसीक्यू फॉर्मेट का, जुलाई 2022 तक का क्वेश्चन इसमें कवर है। देखते हैं पहला क्वेश्चन, प्रैक्टिस सेट नंबर 13 का पहला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ में शामिल होने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं। इसका राइट आंसर है, देखिए, दोर्जे आंगचुक बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में किस राज्य सरकार द्वारा आत्मनिर्भर कृषक विकास योजना की शुरुआत की गई है। उत्तर प्रदेश। देश का पहला वातानुकूलित रेलवे टर्मिनल बेंगलुरु में बनाया गया, जिसका नाम किसके नाम पर रखा गया है। इनका नाम रखा गया है एम विश्वेश्वरैया के नाम से रखा गया है। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, हाल में किस भारतीय मूल के व्यक्ति को कनाडा देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान, जिसका नाम ऑर्डर ऑफ कनाडा से सम्मानित किया गया। इसका राइट आंसर है डॉक्टर वैक्टम अयर लक्ष्मण, और नवजीत सिंह ढिल्लू, और डॉक्टर प्रदीप मर्चेंट, तीनों ही करेक्ट आंसर है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी इसका राइट आंसर है। हाल में किस राज्य सरकार के द्वारा दुग्ध मूल्य प्रोत्साहन योजना की शुरुआत की गई। इसका राइट आंसर है उत्तराखंड सरकार द्वारा। नेक्स्ट है, हाल में किस राज्य द्वारा अपनी 100% आबादी 18+ को कोरोना वैक्सीन की दूसरी डोज देने वाला भारत का पहला राज्य हिमाचल प्रदेश बना है। और हाल में ही भारत सरकार द्वारा प्रारंभ की गई श्रेष्ठ योजना जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका संबंध किससे है। अनुसूचित जाति के मेधावी छात्रों को गुणवत्तापूर्वक आवासीय शिक्षा प्रदान करना। इसके अलावा देखते हैं, 11 दिसंबर को किस शहर में भारत का पहला ड्रोन मेले का आयोजन किया गया। इसका राइट आंसर ग्वालियर में किया गया है। और नेक्स्ट क्वेश्चन 17 नंबर देखते हैं, नौ नंबर देखिए, हाल में दुनिया का पहला 100% नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में दुनिया के 100% पेपरलेस होने वाली सरकार बनी है, दुबई सरकार बनी है। इसके अलावा देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में ही किस देश ने सार्को नामक एक सुसाइड मशीन को इच्छा मृत्यु के लिए प्रयोग किए जाने की मंजूरी दिया है, स्विट्जरलैंड। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय नौसेना ने किस पहले विध्वंसक पोत को सेवामुक्त कर दिया, INS राजपूत को सेवामुक्त कर दिया है। देखिए सुमेलित के बारे में, कौन सा सुमेलित नहीं है इसके विषय में देखना है। अदामा बैरो जो है गाम्बिया के राष्ट्रपति हैं, और ओलाफ स्कोल्स जो है जर्मनी के चांसलर है। इसके अलावा कैथरीन रसेल भी यूनिसेफ के प्रमुख हैं, जो सही नहीं है। गीता गोपीनाथ IIM के प्रमुख नहीं है, ये गलत है, और सब सही है, ठीक है। इसके अलावा देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन नंबर 12 था, ठीक है, 12 में क्या था, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है, ठीक है। अब देखते हैं 13वां क्वेश्चन, दिसंबर 2021 में मिथिला मखाना को GI टैग दिया गया है, यह किस राज्य से संबंधित है। मिथिला मखाना जो है बिहार से संबंधित है। टाइम मैगजीन 2021 के लिए पर्सन ऑफ द ईयर चुना गया है, एलन मस्क को चुना गया है पर्सन ऑफ द ईयर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में ही भारतीय वास्तुकार को ब्रिटेन के प्रतिष्ठित शाही पदक रॉयल गोल्ड मेडल 2022 के लिए चुना गया है, यह सम्मानित किया गया है। इनका नाम है बालकृष्ण दोषी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल में घोषित किए गए ज्ञानपीठ पुरस्कारों के संबंध में कौन सा कथन सत्य है। देखिए वर्ष 2020 का 56वां ज्ञानपीठ पुरस्कार जो दिया गया है नीलमणि फुकन जूनियर को असमिया भाषा के लिए दिया गया। इसके अलावा 2021 का जो दिया गया है 57 नंबर का ज्ञानपीठ पुरस्कार दामोदर मौजो को दिया गया कोंकणी भाषा के लिए। दोनों ऑप्शन इसका राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर सी। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, आर्थिक समीक्षा 2021-22 में दिए गए आंकड़ों के अनुसार वर्ष 2018 में सब्जी और फलों को विश्वव्यापी निर्यात में भारत का हिस्सा था 1.4%। और हाल में जिम्नास्ट खिलाड़ी को टाइम पत्रिका द्वारा सर्वश्रेष्ठ एथलीट पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया है, उनका नाम था सिमोन वाइल्स। और नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में ही किस भारतीय गणितज्ञ को DSTICTPIMU रामानुजन पुरस्कार 2021 सम्मानित किया गया, उनका नाम है नीना गुप्ता। नेक्स्ट क्वेश्चन, दुबई में आयोजित फाइडे
विश्व शतरंज चैंपियनशिप 2021 का खिताब जीतकर पांचवी बार मैग्नस कार्लसन ने यह खिताब अपने नाम किया। उनका संबंध जो है नॉर्वे के रहने वाले हुए हैं। और अस्कोट वन्य जीव अभयारण्य को इको सेंसिटिव जोन के रूप में घोषित किया है, कौन से स्टेट ने घोषित किया है? इसका राइट आंसर है उत्तराखंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, सातवां भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव का आयोजन कहाँ पे किया गया? इसका राइट आंसर है पणजी में किया गया। भारत ने किस देश के साथ 6 लाख से अधिक AK-203 असाल्ट राइफलों की खरीद के लिए एक अनुबंध और 2021 से लेकर 2031 तक के सैन्य तकनीक सहयोग पर एक समझौते पर हस्ताक्षर किया? इसका राइट आंसर है 23 का राइट आंसर इसका क्या है? रसिया है। और सर्वश्रेष्ठ फुटबॉलर का बैलून डी ओर 2021 पुरस्कार के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? इसका राइट आंसर देखिए, पुरुष वर्ग में अर्जेंटीना के खिलाड़ी लियोनेल मेसी ने 7वीं बार यह पुरस्कार जीता। और महिला वर्ग में बार्सिलोना की एलेक्सिया पुटेल लास ने यह पुरस्कार जीता। दोनों कथन क्या है सही है? इसके अलावा देखते हैं, भारत के इलेक्ट्रॉनिक्स एंड सूचना प्रौद्योगिकी के राज्य मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने देश के पहले स्वदेशी सर्वर लॉन्च किया, जिसका नाम क्या है? 25 का राइट आंसर है रुद्र नाम है। इसके अलावा देखिए 26 नंबर देखते हैं, कोलकाता में रक्षा राज्य मंत्री की उपस्थिति में भारतीय नौसेना के लिए सर्वेक्षण पोत बड़े परियोजना के तहत 4 जहाज़ों में पहला लॉन्च किया गया, जिसका नाम है संध्याक। वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए केंद्रीय सरकार के निम्नलिखित महत्वपूर्ण कर राजस्व के स्रोतों पर विचार करना है। देखिए इसका जो स्रोत है 2134 होगा, 2 का मतलब सबसे ज़्यादा है, माल और सेवा कर, उसके बाद निगम कर, फिर केंद्रीय उत्पाद शुल्क और सीमा शुल्क है, ठीक है, और वही क्रम में लिखना है घटते क्रम में, ठीक है। तो इस 2134 इसका राइट आंसर है। देखिए नेक्स्ट, हाल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस देश ने अपना नरेंद्र मोदी को किस देश ने सपने अपना सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार, जिसका नाम नगद पेल दी गोरलो खोरलो से सम्मानित किया गया? इसका राइट आंसर है, इसका राइट आंसर क्या है? क्वेश्चन 28 का राइट आंसर है भूटान। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिसंबर 2021 में किए गए नियुक्तियों के में कौन सा कथन सुमेलित है? इसका राइट आंसर देखिए 29 का राइट आंसर क्या है? उपयुक्त सभी इसका है। मोहित जैन जो है भारतीय समाचार पत्र सोसाइटी के अध्यक्ष हैं। और प्रदीप कुमार रावत चीन में भारत के नए राजदूत। और कार्ल नेहमर जो हैं ऑस्ट्रिया के चांसलर। और गैब्रियल बोरिक जो हैं चिली के सबसे युवा राष्ट्रपति हैं। इसके अलावा देखते हैं, हाल में किस राज्य में भारत के पहले इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन एंड मेडिएशन सेंटर का उद्घाटन किया गया है? 30 का राइट आंसर है तेलंगाना। वैश्विक स्वास्थ्य सुरक्षा सूचकांक 2021 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? 31 का राइट आंसर है इसका, 31 का राइट आंसर देखते हैं क्या है, डी ऑप्शन है 66 नंबर, ठीक है। अब देखते हैं 32 का राइट आंसर क्या है उसका, इसका क्या क्वेश्चन है, राष्ट्रमंडल भारोत्तोलन चैंपियनशिप 2021 का आयोजन कहाँ पे किया गया है? इसका राइट आंसर 32 का राइट आंसर है ताशकंद उज्बेकिस्तान में किया गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल में किस भारतीय जलवायु कार्यकर्ता को वर्ष 2021 के लिए संयुक्त राष्ट्र महिला पुरस्कार सम्मानित किया गया है? इनका राइट आंसर है दिव्या हेगड़े। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार देश में मैंग्रोव वन कुल भौगोलिक क्षेत्र का कितना परसेंटेज है? मैंग्रोव वन जो है 0.1% है। और महिलाओं की सुरक्षा हेतु अभय परियोजना की शुरुआत किसके द्वारा की गई है? इसका राइट आंसर दिल्ली पुलिस द्वारा। और 18 से 20 दिसंबर के मध्य तीसरी भारत मध्य एशिया वार्ता का आयोजन कहाँ पे किया गया? इसका राइट आंसर नई दिल्ली में। और 14 दिसंबर को राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस पे किस राज्य को राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण पुरस्कार प्रदान किया गया? इसका राइट आंसर राजस्थान। और 38 नंबर देखते हैं, BWF विश्व चैंपियनशिप 2021 में भारत के किस बैडमिंटन खिलाड़ी ने रजत पदक जीता है? 38 का राइट आंसर है किदांबी श्रीकांत। और नेक्स्ट क्वेश्चन, किसानों के अनाज को हवाई मार्ग से एक स्थान से दूसरे स्थान ले जाने के उद्देश्य से कृषि उड़ान 2.0 योजना का क्रियान्वयन किस प्लेटफॉर्म द्वारा किया गया? 39 का राइट आंसर है ई कुशल। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में किस राज्य सरकार ने भगवान कृष्ण की जगन्नाथ रथ
यात्रा को वार्षिक राज्य उत्सव घोषित किया। इसका राइट आंसर है पंजाब। हाल में किस देश को एक वर्ष के लिए शंघाई सहयोग संगठन के क्षेत्रीय आतंकवाद विरोधी संरचना का अध्यक्ष बनाया गया? इसका राइट आंसर है भारत को। नेक्स्ट, नवंबर 2021 में किस राज्य सरकार द्वारा उड़ान योजना की शुरुआत की गई? इसका राइट आंसर राजस्थान। 41 का राइट आंसर सी है। 42 देखते हैं, 42 का ए है, ठीक है। 43 देखते हैं, केंद्रीय बजट 2022-23 में कितनी राशि की परिव्यय से रेजिंग एंड एक्सलेटिंग MSME परफॉर्मेंस प्रोग्राम को शुरू किए जाने का प्रस्ताव दिया गया? 6,000 करोड़। अब नेक्स्ट देखते हैं, हाल में भारत ने किस देश के साथ डिजिटल मीडिया के क्षेत्र में सहयोग समझौता किया है? 44 का राइट आंसर है वियतनाम के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन, अमेरिकी राष्ट्रपति जो बिडेन ने भारतीय मूल के किस व्यक्ति को व्हाइट हाउस कार्यालय के प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया? उनका नाम है गौतम राघवन। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में किस भारतीय महिला पैरालंपिक खिलाड़ी ने 2021 पैरालंपिक स्पोर्ट अवार्ड में सर्वश्रेष्ठ महिला पदार्पण का पुरस्कार दिया है? इसका राइट आंसर 46 का राइट आंसर है अवनी लेखरा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में किस भारतीय क्रिकेटर ने सभी प्रारूपों से संन्यास लेने की घोषणा किया? इसका राइट आंसर है हरभजन सिंह। और निम्नलिखित में से किस महाराष्ट्र कंपनी को प्रतिष्ठित गोल्डन पिकॉक पर्यावरण प्रबंधन पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया? इसका राइट आंसर है सेल। और हाल में ही संसद ने केंद्रीय जांच ब्यूरो CBI और प्रवर्तन निदेशालय के निदेशक के कार्यकाल को अधिकतम कितने साल तक बढ़ाने के लिए विधेयक पारित किया गया है? 49 का राइट आंसर है 5 वर्ष। और भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार किस राज्य में वनावरण में सर्वाधिक वृद्धि हुई है? इसका राइट आंसर है आंध्र प्रदेश, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन प्रैक्टिस नंबर 14 का, टोक्यो पैरालंपिक 2020 के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? देखिए, पदक तालिका में प्रथम स्थान पर USA रहा है, टोक्यो पैरालंपिक की बात हो रही है तो ये गलत है। भारत पदक तालिका में 24वां स्थान पर आया तो ये ऑप्शन सही है, केवल 2 ऑप्शन राइट है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में किस राज्य या केंद्रशासित प्रदेश ने हिम तेंदुआ को राज्य पशु एवं काली गर्दन वाली क्रेन जिसका नाम था ग्रस निक्रो कोलिस को राज्य पक्षी घोषित किया गया? इसका राइट आंसर है लद्दाख ने घोषित किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पुस्तकों को सही सुमेलित करना है, कौन सा पुस्तक है देखना है, ठीक है, तो लेखक और पुस्तक है, इसको देखते हैं। गीता पिरामल की पुस्तक का नाम है राहुल बजाज एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लाइफ, ये भी सही है। और अभिनव चंद्र चूड़ का बुक का नाम है सोली सोराब जी लाइफ एंड टाइम्स, सी ऑप्शन। डॉक्टर तेहमटन एराज उड़वारिया इनका पुस्तक का नाम है मोर देन जस्ट सर्जरी लाइफ लेसन बियॉन्ड द OT, ठीक है, उपयुक्त सभी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल में ही भारतीय महिला क्रिकेटर ने वनडे मैच में 250 विकेट पूरा किए और ऐसा करने वाले विश्व की पहली महिला क्रिकेटर बनी है, 4th नंबर है जुलन गोस्वामी। हाल में भारत का पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड रोबोटिक्स टेक्नोलॉजी पार्क जिसका नाम है आर्ट पार्क कहाँ पर लॉन्च किया गया? इसका राइट आंसर है बेंगलुरु में किया गया है, आर्ट पार्क बेंगलुरु में किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर, हाल में जारी घोषणा के अनुसार 44वां फीडे शतरंज ओलंपियाड 2022 का आयोजन भारत में कहाँ पे किया जाएगा? चेन्नई में किया जाएगा। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का पहला वर्ल्ड पीस सेंटर कहाँ पे स्थापित किया जाएगा? गुरुग्राम हरियाणा। और कौन सा देश बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन 2022 की मेजबानी करेगा? श्रीलंका करेगा मेजबानी। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं, संयुक्त राष्ट्र की ओर से जारी हैप्पीनेस रिपोर्ट 2022 में भारत को स्थान प्राप्त हुआ 136 नंबर। और देखिए संबंधित क्षेत्र इसमें देखना है, रुपया बांदा जो है व्यक्ति हैं इनका क्षेत्र है अमेरिका के खगोल वैज्ञानिक हैं, और सुश्री कुमुद बेन जोशी जो है आंध्र प्रदेश के पूर्व राज्यपाल, और यूजिन पार्कर जो जाम्बिया के पूर्व राष्ट्रपति थे, इनका सभी लोग का निधन हो गया। क्लियर, तो ऑप्शन नंबर सी इसका डी राइट आंसर है। हाल में अंडमान निकोबार द्वीप समूह में स्थित किस पर्वत चोटी का नाम बदलकर माउंट मणिपुर रखा गया? इसका राइट आंसर है माउंट हैरियट का। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस व्यक्ति को उनकी पुस्तक दिल्ली ए
सोलिलोक्यो के लिए जेसीबी साहित्य पुरस्कार 2021 सम्मानित किया गया। इसका राइट आंसर है एम मुकुंदम। नेक्स्ट क्वेश्चन 13 नंबर, विश्व वैश्विक स्वास्थ्य सुरक्षा सूचकांक 2021 के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? दोनों कथन सत्य है। इस सूचकांक में यूएस को प्रथम स्थान और सूचकांक में भारत का स्थान जो है 66वां स्थान है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जूनियर पुरुष हॉकी विश्व कप 2021 के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? दोनों कथन सत्य है। इसका आयोजन भुवनेश्वर में किया गया और अर्जेंटीना ने जर्मनी को हराकर विश्व कप जीत लिया है। दोनों कथन सत्य है। इसके अलावा देखिए, क्रिस्टियानो रोनाल्डो 800 से अधिक गोल करने वाले दुनिया के पहले फुटबॉलर बने। इनका संबंध जो है पुर्तगाल से है। और हाल में प्रकाशित पुस्तक जिसका नाम है 1971 चार्ज ऑफ द गोरखाज एंड एन अदर स्टोरीज, इस पुस्तक के लेखक हैं रचना बिष्ट रावत हैं। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17 को देखते हैं। नौसेना के अवसर पर खादी से बने दुनिया के सबसे बड़े राष्ट्रीय ध्वज का प्रदर्शन भारतीय नौसेना द्वारा कहाँ पे किया गया? इसका राइट आंसर देखिए 17 का, मुंबई में किया गया है। और दिसंबर 2021 में यूनेस्को ने भारत के किस त्यौहार को मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत के प्रतिनिधि की सूची में शामिल करने की घोषणा किया है? इसका राइट आंसर है दुर्गा पूजा को। नेक्स्ट क्वेश्चन 19 नंबर देखते हैं, अंतरिक्ष में शूट की जाने वाली पहली फिल्म कौन है जो रूस के द्वारा बनाई गई? इसका राइट आंसर है द चैलेंज। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत चीन सीमा के पास 13,800 फीट की ऊंचाई पर सेला सुरंग का निर्माण किया जा रहा है, यह किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? इसका राइट आंसर अरुणाचल प्रदेश। 20 का राइट आंसर सी है। अब इसके अलावा देखते हैं, दुनिया की पहली स्वचालित और चालक रहित ट्रेन किस देश में शुरू की गई है? इसका राइट आंसर है जर्मनी। इसका राइट आंसर है 21 का ऑप्शन नंबर डी, जर्मनी। देखिए, 18,000 करोड़ रुपये की बोली लगाकर किस कंपनी ने एयर इंडिया को खरीद लिया? इसका राइट आंसर है टाटा ग्रुप। और बैंकिंग नेटवर्क के माध्यम से प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष करों के संग्रह के लिए सरकार से मंजूरी प्राप्त करने वाला पहला अनुसूचित निजी क्षेत्र का बैंक हाल में कौन बना है? इसका राइट आंसर देखिए, इसका राइट आंसर 23 का राइट आंसर क्या, कोटक महिंद्रा बैंक बना है। और किस मंत्रालय के तहत अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्था ने कोरोना से बच्चों की सुरक्षा के लिए एक प्रतिरक्षा बढ़ाने वाली बाल रक्षा किट विकसित की है? इसका राइट आंसर है आयुष मंत्रालय। 25 नंबर देखिए, केंद्रीय बजट 2022-23 में उद्योग के लिए काल गैसिफिकेशन तथा कोयलों को रसायन में परिवर्तित करने हेतु कितनी निजी परियोजनाओं को स्थापित करने की योजना बनाई है? इसका राइट आंसर है 4 परियोजना को। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 26 को देखते हैं एक बार, वर्ष 2022-23 में पूंजीगत व्यय GDP का कितना परसेंटेज होने का अनुमान है? इसका राइट आंसर 2.9%। और वर्ष 2022-23 के अंत तक निजी स्पेस कंपनी स्काईरूट एरोस्पेस ने भारत के पहले निजी रॉकेट को लॉन्च करने की घोषणा किया? इसका राइट आंसर विक्रम 1। और आर्थिक समीक्षा 2021-22 के अनुसार वर्ष 2020-21 में भारत में तिलहनों का कुल उत्पादन कितना रहा है? 36.1 मिलियन टन रहा है। 29 नंबर देखते हैं, आर्थिक समीक्षा 2021-22 में दिए गए आंकड़ों के अनुसार वर्ष 2020-21 में वर्तमान कीमतों पर निम्न में से किस राज्य का निवल राज्य घरेलू उत्पाद सबसे अधिक रहा है? इसका राइट आंसर है 29 का तमिलनाडु में रहा है। और 7 से लेकर 9 नवंबर के मध्य 6ठे अंतर्राष्ट्रीय धम्म सम्मेलन 2021 का आयोजन किया गया है नालंदा विश्वविद्यालय में। 30 का राइट आंसर ए है। और नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस देश को अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन IMO परिषद में 2 साल के लिए पुनः सदस्य चुना गया है? इसका राइट आंसर है भारत को चुना गया है। और प्रकाशित पुस्तक 400 डेज के लेखक हैं चेतन भगत हैं। और संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन द्वारा किस भारतीय गांव को सर्वश्रेष्ठ पर्यटन का गांव का खिताब दिया गया है? इसका राइट आंसर है पोचमपल्ली तेलंगाना का। नेक्स्ट क्वेश्चन 34 नंबर, अरुणाचल प्रदेश ने किसे अपना राज्य तितली के रूप में घोषित किया? इसका राइट आंसर है केसर ए हिंद। नेक्स्ट क्वेश्चन, बांग्लादेश के ढाका में आयोजित एशियाई तीरंदाजी
चैंपियनशिप 2021 के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? इसमें देखिए 35 का इसका राइट आंसर क्या है, पदक तालिका में दक्षिण कोरिया को प्रथम स्थान मिला, ये भी सही है। भारत ने कुल 7 पदक जीते हैं और पदक तालिका में दूसरा स्थान प्राप्त किया है, तो दोनों कथन क्या है सही है। अब देखते हैं 36 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन संघीय बजट 2022-23 के 4 प्राथमिकताओं में से शामिल है, प्राथमिकताओं में से शामिल है? देखिए पीएम गति शक्ति हो गया, इसके अलावा हो गया समावेशी विकास, इसके अलावा उत्पादकता संवर्धन और निवेश, उदीयमान अवसर और ऊर्जा संक्रांति, इसके अलावा देखा निवेश का वित्त पोषण, चारों ही ऑप्शन इसमें शामिल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 21 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस 2022 का मनाया गया, इस बार क्या थीम है? 37 का राइट आंसर है वन और सतत उत्पादन और उपभोग। वर्ष 2021-25 तक के कार्यकाल के लिए किस देश को यूनेस्को का कार्यकारी सदस्य चुना गया है, इसका राइट आंसर है, देखिए 38 का राइट आंसर अब भारत है। भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार देश के कुल वनों में कुल कार्बन स्टॉक होने का अनुमान है, 39 का राइट आंसर है 7204 मिलियन टन। और भारत के हाल में विकसित भारत के पहले क्वांटम कंप्यूटर जिसका नाम था सिमुलेटर टूल किट का क्या नाम है, 40 का राइट आंसर है क्यूसिम। आईसीसी द्वारा वर्ष 2021 में किसे हॉल ऑफ फेम में शामिल नहीं किया गया, 41 का राइट आंसर है डेविड वार्नर को। और भारत का पहला आईएसओ सर्टिफाइड पीपीपी मॉडल आधारित रेलवे स्टेशन कौन बना है, इसका राइट आंसर रानी कमलापति रेलवे स्टेशन, 42 का राइट आंसर ए है। और किस भारतीय महिला को संयुक्त राष्ट्र में महिला प्रवक्ता नियुक्त किया गया है, 43 का राइट आंसर जोया अग्रवाल है। भारत के 75वें स्वतंत्रता दिवस के समारोह की थीम क्या थी, इसका राइट आंसर है नेशन फर्स्ट ऑलवेज फर्स्ट, इसका राइट आंसर है। अब देखते हैं 45 नंबर क्वेश्चन, भारत का पहला स्वदेश निर्मित विमान वाहक पोत का परीक्षण किया गया जिसका नाम है विक्रांत, और आरसीईपी को लागू करने वाला विश्व का पहला देश बना है, इसका राइट आंसर सिंगापुर है। और भारतीय मूल की किस महिला को अमेरिका की एसोसिएट अटॉर्नी जनरल के रूप में नियुक्त किया गया, इसका राइट आंसर वनिता गुप्ता। और हाल में ही 127वां संविधान संशोधन विधेयक 2021 संसद द्वारा पारित किया गया, इसका संबंध है राज्य तथा केंद्र सरकार केंद्र शासित प्रदेश को अपनी ओबीसी सूची बनाने के अधिकार से। 49 नंबर देखिए, किस देश ने अपनी पहली बार अंतरिक्ष में सैन्य अभ्यास एस्टर एक्स का आयोजन किया है, इसका राइट आंसर है इसका राइट आंसर देखिए यहाँ पे 49 का फ्रांस है। भारत का पहला वाटर प्लस शहर किसे घोषित किया गया, इसका राइट आंसर है इंदौर को वाटर प्लस शहर घोषित किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं लास्ट प्रैक्टिस सेट नंबर 15, लास्ट 50 क्वेश्चन बचा इसको देख लेते हैं। ठीक है, यूनेस्को द्वारा किसे यूनेस्को की सद्भावना दूत के रूप में नियुक्त किया गया, इसका राइट आंसर है नोआमी कोआसे। और वर्ष 2021 में मलेशिया ओपन स्क्वैश चैंपियनशिप में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है, इसका राइट आंसर है सौरभ घोषाल। और आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार 31 दिसंबर 2021 को भारत का विदेशी मुद्रा भंडार है 634 बिलियन डॉलर था, अभी घट गया है अभी करंट के न्यूज में जुलाई में। अगर भारतीय सशस्त्र बलों के लिए किस बैंक ने वीर नाम से रुपए क्रेडिट कार्ड जारी किया, इसका राइट आंसर है कोटक महिंद्रा बैंक। ठीक है, और ऑस्ट्रेलिया के बिग बैश लीग के लिए साइन करने वाले भारत के पहले क्रिकेटर खिलाड़ी बने हैं, तो इसका राइट आंसर है उन्मुक्त चंद बने हैं। हाल में भारत सरकार ने किस कंपनी को 11वें महारत्न का कंपनी का दर्जा दिया है, 6वां का राइट आंसर है पीएफसी। और नीति आयोग तथा अटल इनोवेशन मिशन द्वारा संयुक्त रूप से विकसित करने वाला पहला अटल सामुदायिक नवाचार केंद्र उद्घाटन किया गया, इसका राइट आंसर जयपुर। भारत के सबसे ऊंचे एयर प्योरीफायर टावर का निर्माण कहाँ पे किया गया, इसका राइट आंसर चंडीगढ़ में। और वर्ष 2021 के लिए शांति नोबल पुरस्कार किसे सम्मानित किया गया, इसका राइट आंसर है मारिया रेसा और दिमित्री मोराटो, ऑप्शन नंबर डी, ए और बी दोनों है। इसके अलावा देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 को देखते हैं, जल शक्ति मंत्रालय द्वारा अपशिष्ट जल प्रबंधन
तथा खुले में शौच मुक्त गांव के निर्माण हेतु हाल में किस अभियान की शुरुआत किया गया है? इसका राइट आंसर है सुजलम अभियान। भारत की सबसे बड़ी ओपन एयर फर्नरी का उद्घाटन का निर्माण जहां पे किया जा रहा है इसका राइट आंसर है सॉरी उत्तराखंड में, उत्तराखंड में, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। छात्रों की भाषा संबंधी बाधा को दूर करने के लिए किस संस्था द्वारा हाल में ही प्रोजेक्ट उड़ान को लॉन्च किया गया? इसका राइट आंसर IIT बॉम्बे। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्ट्रीट वेंडर्स को डिजिटल भुगतान हेतु मंच उपलब्ध कराने के लिए मैं भी डिजिटल 3.0 अभियान किस मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया? इसका राइट आंसर है 13 का ए और बी दोनों, आवास और शहरी मंत्रालय और इलेक्ट्रॉनिक्स यानी सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय। 14 नंबर देखते हैं, भारतीय सेना ने किस राज्य में अपना पहला ग्रीन सोलर एनर्जी हार्वेस्टिंग प्लांट शुरू किया है? इसका राइट आंसर है सिक्किम में। पीएम मोदी ने गति शक्ति के संचालन के लिए कितने इंजन कारक निर्धारित किए हैं? इसका राइट आंसर है 7, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्रीय पर्यावरण वन एवं जल परिवर्तन मंत्रालय द्वारा हाल में ही लॉन्च किए गए प्राण पोर्टल का संबंध है वायु प्रदूषण के नियमन से। और वर्ष 2022-23 के अनुसार भारत सरकार ने रेलवे की कितने किलोमीटर रेलवे नेटवर्क पर कवच प्रणाली लगाने का? तो 2000 किलोमीटर। देखिए कवच प्रणाली क्या, अगर एक ट्रेन इधर से आ रही है तो बीच में कोलाइड ना हो, आपस में ऑटोमेटिक क्या हो जाएंगे, जैसे ही पास आएंगे दोनों आपस में बंद हो जाएंगे, दोनों ट्रेन बंद हो जाएंगे, रुक जाएंगे, आगे कोलाइड नहीं होंगे, दोनों लड़ेंगे नहीं, इसकी वजह से कवच सिस्टम को इंस्टॉल किया गया है 2000 किलोमीटर में, ठीक है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18 को देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा देश सभी नवनिर्मित घरों में इलेक्ट्रिक वाहन चार्जर की स्थापना अनिवार्य करने वाला दुनिया का पहला देश बना है? इंग्लैंड बना है। भारत फ्रांस ऑस्ट्रेलिया की पहली त्रिपक्षीय विदेश मंत्री स्तरीय बैठक का आयोजन किस देश में किया गया? इसका राइट आंसर ब्रिटेन। और देखिए, किस देश ने मंगल ग्रह पर अपना पहला मार्स रोवर झुरोंग को सफलतापूर्वक लैंड कराने की उपलब्धि हासिल की? इसका राइट आंसर है चाइना। हाल में किस देश ने पहली बार परमाणु पनडुब्बी से जीरकान नामक हाइपरसोनिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया है? इसका राइट आंसर है रशिया ने किया है। 11 फरवरी 2021 को किस व्यक्ति की पुण्यतिथि पर समर्पण दिवस मनाया गया है? 11 फरवरी को मनाया जाता है समर्पण दिवस पंडित दीनदयाल उपाध्याय के नाम से। भारत के किस शहर में कुत्तों के लिए विशेष ब्लड बैंक स्थापित किया गया है? इसका राइट आंसर 23 का राइट आंसर है लुधियाना में, कुत्तों के लिए विशेष ब्लड बैंक। और आर्थिक समीक्षा 2021-22 में भारत में अनाजों का कुल उत्पादन कितना रहा है? 282.9 मिलियन टन रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का पहला भूतापीय क्षेत्र विकास परियोजना कहाँ स्थापित की जाएगी? 25 का राइट आंसर लेह। और भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार सर्वाधिक वनावरण परसेंटेज वाला राज्य जो बना है इसका राइट आंसर है देखिए लक्षद्वीप है। 26 का राइट आंसर है लक्षद्वीप, ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, 27 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, अक्टूबर 2021 में भारत ने किस देश के साथ अजय वारियर संयुक्त युद्धाभ्यास का आयोजन किया? ब्रिटेन के साथ किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फरवरी 2021 में जारी इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2020 में बड़े राज्यों में किस राज्य को स्थान प्राप्त हुआ है? महाराष्ट्र को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है। इसके अलावा देखिए, बजट 2022-23 के घोषणा के अनुसार सरकार ने 8 रोपवे परियोजनाओं के अंतर्गत कितने किलोमीटर लंबी रोपवे के निर्माण की घोषणा किया है? इसका राइट आंसर है 60 किलोमीटर। और नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्रीय बजट 2022-23 के अनुसार किसी भी वर्चुअल डिजिटल परिसंपत्ति के हस्तांतरण से किसी भी आय पर कितने परसेंट की दर से कर लिया जाएगा? इसका राइट आंसर है 30% की दर से। श्रम आंदोलन से जुड़ा संग्रहालय भारत के किस राज्य में खोला जाएगा? केरल राज्य में खोला जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैव विविधता संरक्षण पर ध्यान केंद्रित करने हेतु चौथा वन प्लैनेट सम्मेलन का आयोजन किस देश में किया जाएगा? इसका राइट आंसर है 32 का
लखनऊ सॉरी 32 का फ्रांस है। ठीक है, केंद्रीय आवास एवं शहरी मामले मंत्रालय द्वारा न्यू अर्बन इंडिया सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? 33 का राइट आंसर लखनऊ। और समुद्री खोज की क्षमता बढ़ाने के उद्देश्य से तटीय अनुसंधान वाहन सागर अन्वेषिका का जलावरण किस बंदरगाह पर किया गया? इसका राइट आंसर 34 का चेन्नई बंदरगाह। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस फार्मूला वन ड्राइवर को ब्रिटेन की महारानी ने सर्वोच्च नागरिक सम्मान नाइटहुड से सम्मानित किया गया? 35 का राइट आंसर है लुइस हैमिल्टन। भारतीय रेलवे द्वारा विश्व की पहली हॉस्पिटल ट्रेन का उद्घाटन किया गया? इसका राइट आंसर है लाइफलाइन एक्सप्रेस। मार्च 2022 में भारत और किस देश के बीच 9वां संयुक्त सैन्य अभ्यास लेमिटिए 2022 आयोजित किया गया? 37 का इसका राइट आंसर देखिए लेमिटिए 2022 का आयोजन जो किया गया इसका राइट आंसर है सेशेल्स के साथ। 37 का राइट आंसर सेशेल्स है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य सरकार ने कृषि क्षेत्र में मिट्टी एवं जल की जांच के लिए कृषि संजीवनी वैन की शुरुआत किया है? 38 का राइट आंसर है कर्नाटक। निम्नलिखित में से किस नदी पर दौधन बांध का निर्माण किया जा रहा है? दौधन बांध का निर्माण किया जा रहा है केन बेतवा लिंक। और किस वर्ष तक भारत को उर्वरक क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनने की घोषणा केंद्रीय रसायन मंत्रालय ने की है? 40 का राइट आंसर है 2023 तक। दूसरे खेलो इंडिया विंटर गेम का उद्घाटन हाल में ही प्रधानमंत्री द्वारा कहाँ किया गया? 41 का राइट आंसर गुलमर्ग। राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने किस राज्य में भारत की पहली आपातकालीन लैंडिंग सुविधा विकसित की है? इसका राइट आंसर 42 का राजस्थान। निम्नलिखित में से कौन सा एयरपोर्ट दुनिया का पहला स्मार्ट रीडिंग एयरपोर्ट बन गया? इसका राइट आंसर दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट। चैलेंज वन उपग्रह निम्नलिखित में से किस देश का पहला उपग्रह है जिसे रूस द्वारा लॉन्च किया गया? इसका राइट आंसर है 44 का राइट आंसर ट्यूनिशिया। भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार सर्वाधिक वन आवरण परसेंटेज वाले निम्नलिखित राज्यों का सही अवरोही क्रम दिखाना है? घटते क्रम में मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय और मणिपुर हैं। 45 का राइट आंसर सी है। 46 नंबर देखें, हाल में कौन सा राज्य अपनी 100% आबादी 18 प्लस कोरोना का वैक्सीन की दूसरी डोज देने वाला भारत का राज्य हिमाचल प्रदेश बना है? नेक्स्ट क्वेश्चन, यूनेस्को की द्वारा शुरू की गई E9 पहल का संबंध जो है शिक्षा क्षेत्र से संबंधित है। 48 नंबर है, रासायनिक हथियार निषेध संगठन के बाहरी लेखा परीक्षक के रूप में किसे नियुक्त किया गया? इसका राइट आंसर है गिरीश चंद्र मुर्मू। 49 नंबर है, युद्धाभ्यास के दौरान किस देश की पनडुब्बी के आर आई नांगला गुम हो गए जिसकी खोज के लिए ऑपरेशन तेमान शुरू किया गया? इसका राइट आंसर है इंडोनेशिया। यूनेस्को ने विश्व पुस्तक राजधानी 2021 के रूप में किस शहर को नामित किया गया? इसका राइट आंसर है तिब्लिसी जॉर्जिया की है। तो ये 750 क्वेश्चन हम लोग देखें MCQ फॉर्मेट में, 4-5 लेक्चर में देखे हैं। और हम लोग क्या करेंगे, इसको सारे को एक सिंगल वीडियो में हम लोग कंबाइंड कर देंगे। ठीक है, तो आई थिंक डेढ़ साल का करंट अफेयर रहा है जो कि टॉप लेवल का करंट अफेयर सारा इसमें इंक्लूड है। ठीक है, जुलाई 2022 तक टोटल इंक्लूड है इसमें। 1 जनवरी 2021 से लेकर जुलाई 2022 तक टोटल इंक्लूड है। टॉप लेवल का करंट अफेयर आप इस वीडियो को ज़रूर देखिए और शेयर करिए दोस्तों को, और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक करिए। ठीक है, और भी हम इसको वन लाइनर क्वेश्चन को नेक्स्ट वीडियो में लाएंगे। और भी इसके अलावा भी देखिए, हम लोग ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं, इंडियन ज्योग्राफी, वर्ल्ड ज्योग्राफी, और इसके अलावा पॉलिटी पढ़े हैं, मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ लिए हैं, इकोनॉमिक्स का कुछ शॉर्ट वीडियो देखे हैं कुछ वीडियो, तो उसको आप देख लीजिएगा। एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अभी के लिए बस इतना ही रखते हैं। थैंक यू सो मच।